नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के स्पोर्ट्स लैंड के इस एपिसोड में। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट जगत से जुड़ी कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में मिली भारत को अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त। 2023 PSL का खिताब हुआ शाहीन अफरीदी की लाहौर कलंदर्स के नाम। ATK मोहन बगान ने बेंगलुरु FC को हरा कर किया ISL खिताब अपने नाम। और कौन कर रहा है हरभजन सिंह के नाम पर फ्रॉड, जानेंगे आज के एपिसोड में। भारत को वनडे इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त मिली है। टीम को दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम 234 बॉल रहते हार गई। इस लिहाज से ये हमारी वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार है। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में कंगारुओं ने पहले तो 26 ओवर में 117 रन के बहुत ही छोटे से स्कोर पर भारत को समेटा। टॉप 6 में से 4 बल्लेबाज डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच सके। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 3 रन के टीम स्कोर पर ओपनर शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पॉइंट पर मांस लाभूषण के हाथों कैच कराया। फिर रोहित शर्मा भी 13 रन बनाने के बाद स्टार्क की ही बॉल पर आउट हुए। कप्तान के बाद खेलने आए सूर्य कुमार यादव 0 पर, KL राहुल 9 रन बनाकर और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए। ये तीनों डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। पहले वनडे में 3 विकेट लेकर भारतीय बैटर्स को परेशान करने वाले मिचेल स्टार्क ने दूसरे मैच में भी धारदार गेंदबाजी की। पहले ही ओवर में ओपनर शुभमन गिल को 0 पर पवेलियन भेजने के बाद उन्होंने 5वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को भी स्लिप में कैच आउट कराया। 5वें ही ओवर में उन्होंने सूर्य कुमार यादव को LBW पर आउट किया। पावर प्ले के 9वें ही ओवर में उन्होंने KL राहुल को भी 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इस वक्त भारत का स्कोर 8.4 ओवर में 48 रन पर 4 विकेट हो गया था। स्टार्क ने 26वें ओवर की आखिरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को बोल्ड कर भारतीय पारी खत्म की और वनडे करियर में 9वीं बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया। इस तरह भारतीय पारी के सभी बैटर्स पेसर्स के खिलाफ ही आउट हुए। 117 रन का स्कोर डिफेंड करने उतरे भारतीय गेंदबाज बेअसर साबित हुए। 121 रन बनाने में भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले सके। 11 ओवर की ऑस्ट्रेलियाई पारी में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 5 गेंदबाज बदले लेकिन विकेट नहीं मिला। रोहित ने मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव से ओवर करा। 118 रन के छोटे टारगेट का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने विस्फोटक बैटिंग की। खास तौर पर मार्श ने, उन्होंने 36 बॉल में 66 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। इनमें वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या के 1 ओवर में 3 छक्के भी शामिल है। हेड ने भी अपनी 50 पूरी की और 30 बॉल में 51 रन के स्कोर पर नाबाद रहे। उन्होंने 10 चौके लगाए। इनमें सिराज की लगातार गेंदों पर 4 चौके शामिल है। दोनों ने महज 66 बॉल में 121 रन बना डाले और भारत को वनडे में काफी गेंद बाकी रहते उनकी सबसे बड़ी हार थमाई। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट के साथ बॉलिंग की अगुवाई की, वहीं शॉन एबॉट ने 3 विकेट और नाथन एलिस ने 2 विकेट लिए। इस जीत से 3 मैचों की सीरीज रोमांचक मोड पर आ गई है। अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। तीसरा और डिसाइडिंग मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। शाहीन अफरीदी की लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा कर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जीत लिया। शनिवार रात लाहौर में PSL यानी पाकिस्तान प्रीमियर का फाइनल खेला गया। लाहौर टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मैच के हीरो रहे। उन्होंने अर्धशतक लगाया और 4 विकेट भी लिए। लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान को 201 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में मुल्तान 20 ओवर में 199 रन ही बना सका। विजेता टीम लाहौर कलंदर्स को 3.4 करोड़ रुपए मिले। वहीं रनर अप टीम को 1.4 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 4.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले। चलिए अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। स्टार स्पोर्ट्स के टाटा IPL 2023 के प्रीव्यू शो स्टार्स ऑन द स्टार पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ दिलचस्प बातचीत में खुलासा किया है कि अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में वो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। जडेजा ने कहा, जब मैंने काफी पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मैं तेज गेंदबाज बनना चाहता था। मैं दूसरे तेज गेंदबाजों को बाउंसर डालते देखना पसंद करता था। उन्हें देखकर मैं सोचता था कि मैं बल्लेबाजों पर बाउंसर डालूंगा, लेकिन मेरे पास तेज गेंदबाज बनने लायक स्पीड नहीं थी। हाल ही में घुटने की सर्जरी के कारण कई महीनों तक एक्शन से बाहर रहने के बाद जडेजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल वापसी की है। ऑल राउंडर जडेजा IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। IPL का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होगा। वहीं अगली खबर है टेबल टेनिस से, जहां केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल चैंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट शिरजा अकुला के साथ शनिवार को टेबल टेनिस खेलते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है।
वीडियो में दोनों गेम के दौरान एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। रिजिजू ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बहुत लंबे समय बाद टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला और आखिरकार मैं भारतीय महिला टेबल टेनिस चैंपियन श्रीजा अकुला के साथ टेबल टेनिस खेलने में कामयाब रहा। अकुला के बारे में बात करें तो उन्होंने कॉमनवेल्थ में मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता है। हैदराबाद की श्रीजा अकुला नेशनल वुमेन्स टेबल टेनिस चैंपियन ने शिलोंग में पिछले साल अप्रैल में अपनी पहली नेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। इसके बाद पिछले साल अगस्त में अकुला को कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने शरद कमल के साथ मिक्स डबल्स इवेंट में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अब अगर हम रिजिजू की बात करें तो कानून मंत्रालय संभालने से पहले रिजिजू कैबिनेट में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। रिजिजू ने 30 मई 2019 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक मिनिस्ट्री संभाली। रिजिजू भारतीय खिलाड़ियों से अक्सर मिलते रहते हैं। अब अगर बात करें फुटबॉल की तो एटीके मोहन बगान ने बेंगलुरु एफसी को आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। एटीके मोहन बगान ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती। शनिवार रात गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आईएसएल का फाइनल खेला गया था। मैच के बाद मोहन बगान के मालिक संजीव गोयनका ने ये भी घोषणा की कि क्लब को आगे चलकर मोहन बगान सुपर जायंट्स के रूप में जाना जाएगा। फुल टाइम तक दोनों टीम का स्कोर 2-2 रहा। मोहन बगान के लिए दोनों गोल ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल खिलाड़ी दिमित्री पेटर टॉस ने लिए और ये दोनों गोल पेनल्टी से मिले। वहीं बेंगलुरु की ओर से पहला गोल सुनील छेत्री ने किया और दूसरा गोल रॉय कृष्णा ने दागा। क्रिकेट की एक और बड़ी खबर आई है, वो भी हरभजन सिंह से जुड़ी हुई। पंजाब से राज्यसभा सदस्य और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी के नाम पर भी ठगों ने लोगों को लूटना शुरू किया है। सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह भज्जी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भज्जी के नाम से अकाउंट बनाकर ऑडियो मैसेज छोड़े जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी ने फर्जी अकाउंट के बारे में पता चलते ही कड़ा रुख अपनाया है। हरभजन सिंह ने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज छोड़ा कि फेक अकाउंट से सतर्क रहें। अगर आपको कोई हरभजन तीन नाम के अकाउंट से मैसेज करता है और आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब ना दें, वे आपसे पैसे मांगेगा और ये फर्जी अकाउंट है। हरभजन ने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा कि ये उनका इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट नहीं है। इस फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भज्जी ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम सेल से भी की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आ रही है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।